दोस्तों, ये वीडियो हमारी प्रीवियस वीडियो का पार्ट टू है। हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्म्स मौजूद हैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्म्स के बारे में बताएंगे जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते, यही कहा था ना आपने? लेकिन राजपाल साहब, फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। 2013 में आई फिल्म जॉली एलएलबी। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि इस फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, जो कि एक कोर्ट केस है, वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। 10th जनवरी 1999 को दिल्ली के लोधी कॉलोनी एरिया में दिल्ली के ही रहने वाले एक बिजनेसमैन संजीव नंदा ने अपनी BMW E38 से 6 लोगों को कुचल के मौत के घाट उतार दिया था। अगर आप इस फिल्म को क्लोजली एनालाइज करेंगे तो आपको संजीव नंदा के केस और इस फिल्म के कोर्ट केस सीन्स में काफी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने लैंड क्रूजर को ट्रक बना दिया है। 6 महीना और ये केस चलेगा और वो ये साबित कर देंगे कि वो ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन थी। कानून के हाथ लंबे होते हैं, घंटा लंबे होते हैं। सेवन आइलैंड्स, बीच में पानी, पानी को भर दिया, वन सिटी, बॉम्बे। 2015 में आई फिल्म बॉम्बे वेलवेट। वैसे तो ये एक फ्लॉप फिल्म थी, पर ये भी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। 1950s और 1960s में बॉम्बे में कई स्कैम्स हुए थे, जिस पर ज्ञान प्रकाश जी ने मुंबई फेबल्स नाम की एक बुक लिखी थी, जिसे पढ़कर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने यह फिल्म बनाने का डिसीजन लिया था। अनुराग सबसे ज्यादा उस एरा की जैज सिंगर लॉर्ना कोडायरो के रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हुए थे, जिसे इस फिल्म में अनुष्का शर्मा ने प्ले किया था। हसीन कुसूर किया। तो क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? 2019 में आई फिल्म गली बॉय, एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये अमेजिंग फिल्म ना देखी हो। यह फिल्म एक नहीं बल्कि 2 रियल लाइफ स्ट्रीट रैपर्स की जिंदगी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। मुंबई के अंधेरी इलाके में पले बड़े हुए रैपर डिवाइन, रियल नेम विवान विल्सन द सिल्वा फर्नांडेस, और मुंबई के ही कुर्ला इलाके के रैपर नाएजी, रियल नेम नावेद शेख, इन दोनों रैपर्स की जिंदगी को एक ही कैरेक्टर में ढाला गया और यह रोल रणवीर सिंह ने बाखूबी निभाया। लाम ठोक सर झुका, तू दुम दबा, चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिला ले, खुद के दम पे नहीं लिए मैंने अपने बाप से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाम श्रुति टंडन, आयु 14 साल, जन्म तिथि 24 मार्च, मृत्यु तिथि 15 मार्च। 2015 में आई फिल्म तलवार। इस फिल्म का नैरेटिव 15th और 16th में 2008 की नाइट को सेक्टर 25 जलवायु विहार नोएडा में हुए डबल मर्डर केस से इंस्पायर्ड था। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की आयुषी तलवार को उसी के फादर डॉक्टर राजेश तलवार ने अपनी गोल्फ क्लब से मार डाला था, पर डॉक्टर राजेश तलवार का आज भी यह कहना है कि यह मर्डर उन्होंने नहीं किया बल्कि उनके सर्वेंट हेमराज बंजाड़े ने किया था, जिसकी डेड बॉडी उसी बिल्डिंग के टेरेस से नेक्स्ट डे रिकवर हुई थी। यह केस आज भी अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है। मैंने ये खून नहीं किया है, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। So friends, it's a wrap on this video. For more interesting videos, keep watching our channel.